को अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं है। और जितना हमें यहाँ प्यार और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस, सब फेल है लाहौर के सामने। म्यूजिक राजू, ये कौन सी डिग्री है आपकी? ITUS? इसकी टोपी उसके सर। गुड 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 जी, एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट ITUS। ऑल्सो एक्सेप्ट द एविडेंस एज इज कमिंग आउट। आई मीन, इफ देयर इज नो एविडेंस ऑफ फाउल प्ले, देन मे बी वी शुड जस्ट एक्सेप्ट दैट। You know, we should, it is a bitter truth to accept that, I mean, one now, because there's so many conspiracy theories, one doesn't want to commit to anything, but surely the possibility does exist that it was the tragedy of mental health. I mean, you know, this idea that someone who is successful and glamorous and rich and has ostensibly everything going for them cannot get depression. It is so misguided, this idea. It is ill-informed. It is plainly inaccurate. I mean, you know, there was a television channel that showed photographs of Sushant and said he doesn't look depressed. I mean, I'm sorry. Are you kidding me? You know, is that really? I mean, that is so. Then again, what I'm saying, that it is so destructive to so many other people who are struggling with mental health issues. कल दीपिका पादुकोण गई थी JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने के लिए। दीपिका पादुकोण कौन है? अभिनेत्री है। तो सिनेमा वालों के लिए क्या चिंता करते हैं? सिनेमा वालों म्यूजिक आज इसी मैदान में कहके जा रहा हूँ, एक साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे आप लंदन से कंपेयर कर। अबे साले, भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूं ये मैं मेरी शिवसेना के कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप। पात्रा जी, ये एटम बम मारना चाहते थे कि बातों का बम मारना चाहते थे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बीच? अरे रोहित भाई, इनके पास खाने को नहीं है चने, ये चले हैं न्यूक्लियर बॉम्ब भुनाने। देखिए, शेक्सपियर का बड़ा अच्छा एक कहावत है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, वो हम सब जानते हैं उस ड्रामा के बारे में। और पाकिस्तान को अगर हम सही मायने में देखें तो एरर्स और कॉमेडी दोनों के कॉम्बिनेशन को देखिए। मैं इसमें सीरियसनेस भी रखूंगा और जोक के पार्ट को भी रखूंगा। देखिए, इनके सारे मंत्री, ये कोई यही जो शेख चिल्ली मंत्री है जिसके बारे में आप बखान कर रही है, अकेला मंत्री नहीं है, इनके सारे मंत्री फूफा और पाकिस्तान फीफा। मैं बताता हूं इसका अर्थ क्या है, इनके कुछ मंत्री गिनाता हूं। एक तो ये शेख रशीद है जिसने हजारों बार न जाने क्या क्या कहा हुआ है, करंट लगता है तो कहता है मोदी घुस गया है उस वायर के अंदर, करंट लगा दिया। फिर पाओ सवा पाओ का इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो उसको फेंक देता है। फिर ये कहता है कि ऑर्नामेंट के ऊपर कुछ नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा पता नहीं ऑर्नामेंट का अर्थ क्या है। फिर कहते हैं मुसलमान प्रूफ, मुस्लिम के ऊपर कुछ नहीं होगा। दूसरे इनके मंत्री का नाम है फवाद चौधरी, जब चंद्रयान फेल हो गया था तो वो फवाद चौधरी इनका मंत्री कह रहा था, अरे क्या जरूरत है चंद्रयान भेजने की, हम तो यहां से नंगे आंख से चांद को देख लेते हैं, ज्यादा जरूरत पड़े तो टेलीस्कोप लगा के देख लो, वहां भेजने की क्या जरूरत है। एक इंत्री मंत्री महोदया है जरता गुल वजीर, अब 5-7 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है मंत्री ने, वो है क्लाइमेट चेंज की मंत्री है, और मंत्री महोदया ने कहा है COVID-19 का मतलब है कि कोविड जो है वो 19 तरह से अटैक करता है, जिस देश में जाता है उस तरीके से वो अटैक करता है, कहीं की इकोनॉमी खराब कर देता है तो कहीं तबीयत खराब कर देता है, तो 19 तरह से वो अटैक करता है, ये मोहतरमा कह रही है। और एक मोहतरमा है जिनका नाम है, जो मंत्री है अभी रिटायर हुई है मंत्री पद से, फिरदौस आशिक अवाम, वो मंत्री थी पहले इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की, उन्होंने कोविड के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको, उन्होंने उसमें कहा कि देखो हम तो सब मुंह ढक के बैठे हुए हैं, ये मुंह ढक के बैठे रह जाएंगे, मालूम पड़ा कोविड एक्शन करके दिखाया कि कोविड नीचे से घुस के आ गया है। ये बताइए कोविड नीचे से कैसे घुस के आ जाता है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया।
Yeah.